राम राम दोस्तों, मैं मोहित यात्री स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियोस में। तो क्या हाल है सभी के? तो भाई काफी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन घर पे ही था, इस चक्कर में ब्लॉग वगैरह नहीं डाल रहा था। और आप लोगों को ज़्यादा यार घर के ब्लॉग पसंद भी नहीं आते, बट फिर भी मैंने अब से स्टार्ट कर दिया। रेगुलर डालने की कोशिश तो करूँगा, बट हो नहीं पाता यार, बहुत ज़्यादा मतलब काम भी रहता है घर के, क्योंकि ज़्यादातर मैं बाहर रहता हूँ, आप लोगों को पता ही है। फिर घर आके घर भी देखना पड़ता है, घर के काम भी सारे करने पड़ते हैं, तो इस चक्कर में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता मुझे, और फिर ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाता। पापा को लेके जाना था मुझे, क्योंकि पापा के लिए चश्मा भी बनवाना है, पापा को दिखना कम हो गया है। तो पता नहीं भाई कैसे ज़्यादातर फ़ोन चला के, या फिर पहले से थोड़ी वीक हो गई है पापा की आँखें, तो चश्मा बनवाने को दे रखा था हमने। तो आज शायद उसको चश्मे का टाइम था, वैसे भाई उन्होंने बताया था ना डॉक्टर साहब ने कि कल मिलेगा, तो कल है भाई 4 तारीख, तो कल मुझे जाना है भाई। आप लोगों को बता दूं, मुझे जाना है पूरी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पे, 20 लाख लोग आते हैं भाई वहाँ पे, और इस चक्कर में मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, रथ यात्रा देखनी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ की जगन्नाथ जी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रथ यात्रा फेमस है वहाँ की, तो वहीं पे मुझे जाना था। और कल की मेरी ट्रेन है, और अपनी न्यू ट्रिप भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है वहाँ से आने के बाद। यहाँ से तो सिर्फ मैं दो तीन दिन के लिए सिर्फ जा रहा हूँ मैं जगन्नाथपुरी उड़ीसा, आने के बाद अपनी न्यू ट्रिप भी स्टार्ट हो जाएगी। और चलते हैं यार, अभी पापा से पूछते हैं। और ये भाई साहब आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्यों आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या काम करना है? स्कूल में भी तो रह के काम हो सकता है भाई, इसको ना सिर्फ बहाने चाहिए छुट्टी करने के, और कुछ नहीं भाई। भाई सिर्फ अभी स्कूल खुले हैं, सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और एक दिन स्कूल गया, दूसरे दिन छुट्टी मार ली इसने। तीसरे दिन गया? हाँ तो मारी तो है ना, बट भाई पता नहीं क्यों छुट्टी मारता रहता है स्कूल जाने के लिए, अभी इसको पता नहीं लगेगा, बट हम मिस करते हैं स्कूल वाले दिन। और ये देखो भाई, स्कूटी की पूरी सर्विस करवा दी है मैंने, क्योंकि जाना है, और पोल्यूशन वगैरह भी इसका सब, और पोल्यूशन वगैरह भी सब एकदम बड़े तरीके से भाई करवा दिया है मैंने एकदम। और जल्दी अपनी न्यू ट्रिप भी स्टार्ट हो जाएगी, चलते हैं अरे पापा को लेके। और भाई जहाँ भी हम सबसे पहले जहाँ बाहर निकल जाते हैं ना, इसको सबसे पहले लेके जाओ, ये सबसे पहले बाहर जाती है, बट इसको लेके भी नहीं जा सकते ना भाई। चलो अंदर चलो, जा रहा नो अंदर चलो, चले पापा चलो भाई चलते हैं। और वीक हो चुके हैं पापा की आँखें काफ़ी ज़्यादा, कैसे करवा ली है, फ़ोन चला चला के लग रहा है मुझे काम खराब कर रहा है, कुछ नहीं हुए, वो ब्लर दिखता है ना काम करके, पापा को हर चीज़ ब्लर दिखती है भाई। DSLR लेंस लगा लिया, प्रोटेट मोड है पापा की आँख में, जैसे कैमरे के अंदर एक प्रोटेट मोड होता है ना, वो बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है, उसको ऐसे देखना पड़ेगा। मैडम ही ये बताओ क्या है, हाँ वहाँ पे पापा से पढ़वा रहे थे कि क्या लिखा है वहाँ पे, कि आँखों का चेकअप हो रहा था ना, तो M को U बता रहे थे पापा, वहाँ पे दिख ही नहीं रहा था। नीचे का है ना वो दूर ऐसा देख रहा हूँ, मेकअप ले लेते हैं चश्मे में से ही, उन्होंने मैडम ने पता नहीं क्या हिलाया यहाँ से, उसको थोड़ा सा दूर करा था, मेरे पे भी करा था। तो अभी निकल चुके थे भाई बाहर, और ये देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई, ये चिपक ली गाड़ी पे झूल ली है, कैसे आई होगी इससे। क्या हुआ, बंद है तो क्या क्या कैसा लग रहा है आपको? अब आपको कल जाना पड़ेगा, कल मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं। कल कहाँ जा रहा है? कल मैं जा रहा हूँ पुरी। हलवा पुरी? अरे उड़ीसा जगन्नाथ पुरी भाई। सुबह सुबह निकल ली थी, बहुत धूप, और अभी मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, बारिश वाला बिल्कुल। और अभी हम लोग खाना पीना खा के अभी बैठे ही थे। जा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी जा रहा हूँ। 10 की 3 लस्सी लिया, 10 की 3 बंदेगा भाई। मौसम इतना बढ़िया हो गया था ना, और यहाँ पे मैं सो गया था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बारिश आ चुकी थी, और
अभी मेरे पास आया अंकुश भाई का फोन, कह रहे थे डीकैथलॉन से कुछ सामान लेके आना था क्योंकि पुरी के लिए हमें कल निकलना है ना, और तत्काल में उन्होंने सेकंड एसी की ट्रेन बुक करी है। मेरी पता नहीं अभी तक कंफर्म हुई है या नहीं, अभी वेटिंग लिस्ट में चल रही थी, बट ये नहीं पता भाई कंफर्म हुई है या नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा PNR डाल के। तो अभी चलते हैं भाई डीकैथलॉन, सबसे पहले भैया का सामान लेने और क्योंकि कल उनको देना भी है यार, तो निकलते हैं यार डीकैथलॉन के लिए। सही है, उन्होंने मेरे को अभी टाइम पे फ़ोन कर दिया, अगर रात में फ़ोन करते ना भाई सामान नहीं आ पाता उनका, अभी तो 6 बज रहे हैं। मेरे घर से डीकैथलॉन 10-15 किलोमीटर दूर है, आराम से जाके मैं लेके आ जाऊंगा उनका सामान। आ चुके हैं अभी अपने टकले दोस्त के साथ बोला भाई कह रहा सकल मत दी भैया, क्यों भाई ऐसा क्यों भाई तो क्या हो गया भाई ऐसे मस्त लग रहा है, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। इस गलियों से निकलना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मैं तो कभी निकल ही नहीं पाता हूँ इसलिए इसको दे देता हूँ। बाहर का रास्ता भाई हर बार भूल जाता हूँ, जगह ही ऐसी जगह रहता है ये। लो भाई गलियों से बाहर निकल चुके हैं और इस समय लग रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा मुँह पे, क्योंकि भाई सुबह तो मौसम काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी थी, ख़राब तो नहीं था, और शाम के टाइम मौसम इस टाइम ठीक हो चुका है। और इस समय ना भाई धूप, अगर धूप होती ना 6-7 बजे तक धूप ही रहती है भाई, काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी लगती है, और इस समय ठीक है मौसम बड़ा ठीक लग रहा है यार। राइड करने में भी ना राइडिंग करते तो बहुत मज़ा आता है ऐसे मौसम में, क्या कह रहे हैं और भाई मैंने इसको सिर्फ एक कॉल किया, बंदा आ गया हाफ चट्टी में, ये देखो भाई अभी इधर हमने स्कूटी पार्क कर दी है और चलते हैं अभी रोहिणी एडवेंचर आइसलैंड, ये इधर है, इसी के अंदर डीकैथलॉन है, सामने आपको दिख रहा होगा भाई। और सौरभ भाई मेरे पीछे दुपट्टा दुपट्टा आ रहा है, देखो कैसे छुप रहा है, बोले आज कैप डाल के नहीं आया, भाई कोई बात नहीं वैसे अच्छा लग रहा है आज भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देखो हाफ चड्डी में आ गए भाई, झूला चलेगा सिल के झूलेगा चलो भाई चेकिंग कराओ चलो। हाँ भाई बेड़ी तो लेके नहीं आया अंदर डीकैथलॉन के अंदर आ चुके हैं, अभी अंकुश भाई को फ़ोन करके पूछूंगा कौन सा चश्मा लेना है भाई, इधर पता नहीं है मुझे कौन सा लेना है, पूछते हैं उनको अभी। निकालिए इधर इसको, ये वाला पसंद आया भाई चश्मा, निकालिए ज़रा इसको खोल, भाई अभी चश्मा ले लिया और इसके लिए टोकरी ले ली हमने, ये डाल लेते हैं बस, आ जा ले चल चलो भाई हमने सामान ले लिया, सिर्फ 2 प्रोडक्ट लिए और इसका बिल आपको दिखाता हूँ अभी कितने का हुआ है भाई, बिल खोलियो एक बार, इन 2 चीज़ों का सिर्फ चश्मा और ये हैंकी और कुछ नहीं, दिखा भाई कितना बिल हुआ है, ये देखो 1,000 रुपया हो गया पूरा टोटल। भाई चश्मा तो वैसे ठीक लग रहा है बट अभी रात के टाइम में कुछ दिख नहीं रहा है मुझे क्योंकि ब्लैक है ना पूरा, इसीलिए चलते भाई पता नहीं लग रहा किधर जाना है, थोड़ा नीचे करके देखना पड़ रहा है नीचे करके ऐसे, क्योंकि भाई एक तो पूरा ब्लैक चश्मा और ऊपर से रात हो चुकी है। वो भाई किधर खड़ी करी थी, ये रे भाई इधर कहाँ जा ये ले लो भाई, आ चुके हैं इसके घर पे, अभी इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं और फिर चलते हैं, और स्कूटी में देखो भाई पेट्रोल कितना बचा है, बचा ही नहीं है बिल्कुल भी, तो कोई नहीं आने के बाद डलवा देंगे, ये नहीं है पेट्रोल, ये है क्या, ये इंजन का वो है, हाँ वो बताता है इसमें, सही है अभी तो चलें, बाय बाय। तो भाई अभी आ चुके हैं हम घर पे और अभी मम्मी को बुलाता हूँ, मम्मी का देखता हूँ क्या रिएक्शन होगा, बोलूँगा कि ये मैं अपने लिए लेके आया हूँ। मम्मी मारी मम्मी को बुला के लेके आ, अब मम्मी को पूछेंगे कि कितने का होगा ये चश्मा, ठीक है देखना मम्मी क्या रेट बताएगी। तो मम्मी 100 रुपये झोंपो नहीं लगाएगी। मम्मी मैं अपने लिए 2 चीज लेके आया हूँ ट्रिप के लिए, ये देखो ये चश्मा लेके आया हूँ, कितने का होगा ये बच्चों वाला कार्ड है, ये चश्मा तो है 50 रुपये का।
हाँ 50 रुपए का, 50 का है, डब्बी भी देता ना 50 में, 50 का है। अब तू तो एक गत्ता में लाया, मैं हाँ। कवर वाली पन्नी में लाया पन्नी में पन्नी। और ये है ये रुमाल लगा के भी देखूँ मैं, पता हो तो 50 रुपए में बोल कितने दूंगा तने। अरे ये रुमाल है, पता है इसके कितने का ये चश्मा? कितने का? 800 रुपए का ही, 850 रुपए का। 850 रहने दे तू, मेरे को दे बताता तू ला, मैं 850 रुपए का है। तू 50 रुपए फालतू दे देता, तेरे देख 700 रुपए बचते हैं। अरे ये रुमाल है 100 रुपए का है। ये रुमाल क्या है? 20-20 रुपए का रुमाल, 100 रुपए बता रहा, बता तू भी 100 रुपए का है। उसमें पहुंच गया तू, ये वैसा लग रहा है बच्चों के गले में जो ना लगाते वैसे कपड़ा लग रहा है। लेके 100 रुपया का होगा और मैं लाऊं तो मैं देख 70 से 50 कितने का है? बता दो। डीकैथलॉन का सामान कितना? इसमें के है डीकैथलॉन का, उस पे लोगो लगा हुआ है, वो सनलाइट नहीं पड़ेगी। 5000 का भी पहले जब भी ऐसा ही दिखेगा। नहीं क्यों स्मार्ट दिखेंगे? ये डंडी देख रहे हो, उसमें डंडी ऐसी नहीं आएगी। डंडा से के लेना, आप देख रही हो अपना। भाई अभी तक मैंने खाना नहीं खाया और अभी पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ, सुबह से मैंने पैकिंग नहीं करी, सोचा चलो शाम को पैक करते हैं। तो फिर शाम को डीकैथलॉन चला गया था, बट अब पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ सब, अब धीरे धीरे डाल रहा हूँ बैग में सारा, एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ वरना भूल जाता हूँ भाई मैं सारा सामान फिर। और ये मम्मी लेके आ गई थी खाने पीने के लिए ट्रेन में, क्योंकि भाई 1.5-2 दिन ऐसे बिताने, पता है कुछ स्टेशन से उतर के जा नहीं सकते बाहर, स्टेशन में सिर्फ पकौड़े वगैरह मिलते हैं, वो भी देख लेंगे। बाकी अभी ये भी रख लिया, सारा सामान रख लेता हूँ, और क्या रह गया, टी शर्ट हो गई, कपड़े हो गए, और तो कुछ नहीं लेना। हाँ भाई ये लीड है भाई यार मेरी, ये तो बहुत मेन है, और ये तार और पावर बैंक अभी चार्ज हो रहा है यार।